हेलो गाइस, दिस इज केवल पाटिल वेलकम्स यू टू द मर्चेंट डिजाइन वर्ल्ड। तो हमने लास्ट वीडियो में पावर स्क्रू का इंट्रोडक्शन देखा था, उसमें हमने स्क्रू जैक भी देखा था। ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द डिज़ाइन ऑफ द स्क्रू जैक। सो हमको पता है स्क्रू जैक क्या है, एक लिफ्टिंग डिवाइस है जो लोड लिफ्ट करने के लिए यूज़ होता है, जैसे कार में कार लिफ्ट करने के लिए यूज होता है रिपेयरिंग एंड ऑल वर्क के लिए। सो दिस इज सिंपली अ स्क्रू जैक। देखो, अगर मुझे ऐसे लगता है कि ये वीडियो लेंदी बनेगा तो मैं पार्ट में करूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि डिज़ाइन प्रोसीजर बहुत लंबी है। ओके, मैं एक्सप्लेन ज़्यादा कर रहा हूँ, एक्सप्लेन ज़्यादा करूँगा इसलिए वो बड़ा होने वाला। ओके, सो नोट्स आपको, आप जब क्वेश्चन सॉल्व होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में नोट्स के अंदर नोट्स सेक्शन में डाल दूंगा, तो आपको समझ जाएगा कि दो या ढाई पेज में ख़त्म हो जाता है। लेकिन 14 मार्क्स के लिए यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर में हमेशा एक सम रहता ही है, स्क्रू जैक और सी क्लैंप सेम में ज़्यादा फर्क नहीं है। एक बार ये समझ आ गया वो भी समझ आ जाएगा। सो स्क्रू जैक का एक लिफ्टिंग डिवाइस है। ऑलराइट, सो अब देखो मैं पहला कंस्ट्रक्शन बता देता हूँ इसका। ओके, सी, सो ये पूरा स्क्रू जैक है। फर्स्ट थिंग इज, ये बीच वाला जो पार्ट दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है, स्क्रू है। ओके, ये बड़ा स्क्रू है। ओके, देन दिस ग्रीन पार्ट, इट इज नट, ये नट है। ओके, जो हमारा स्क्रू बोल्ट बोल्ट एंड नट एंड बोल्ट रहता है वो बोल्ट के तो यहाँ पर स्क्रू है एंड नट है। ओके सॉरी, ओके दिस इज फ्रेम और बॉडी। ओके, दिस इज फ्रेम और बॉडी, ऐसे सर्कुलर रहती है ये, ऐसे पूरा सर्कुलर रहेगी और कभी कभी लेग्स में भी रहती है, पर मोस्ट प्रॉब्ली ऐसे सर्कुलर रहती है, पूरा सर्कुलर बॉडी है। दिस इज हैंडल, एक हैंडल रहेगा जो आप पुश करने के लिए यूज करोगे, उसको हम बोलेंगे हैंडल। ओके, दिस इज कप, कप मतलब क्या, इसके ऊपर जो भी कार जो भी लोड एक्ट हो रहा है, व्हीकल और एनीथिंग, वो इसके ऊपर एक्ट होगा। ओके, तो पार्ट समझ आ गए, कप, हैंडल, स्क्रू, ग्रीन नट, फ्रेम। ओके, नाउ सी, तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये हम ऊपर घुमाएंगे, ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ठीक है। नाउ जो ये हाइट है टोटल, ओके, उसमें से नट की हाइट हम माइनस कर दे तो हो जाएंगे लिफ्टिंग हाइट। लिफ्टिंग हाइट मतलब क्या होती है कि अगर ये पूरा नीचे है, ओके, ये पूरा अभी ऐसे नीचे है, जैसे इस डायग्राम में ये पूरा नीचे है, राइट, तो ये हो गई हमारी लिफ्टिंग हाइट। तो अभी कितना ऊपर जा सकता है, ये कितना ऊपर उठ सकता है, मतलब कितना ऊपर जा सकता है, तो ये यहां तक टच हो गया उतना ही ऊपर जा सकता है, तो ये हो गए लिफ्टिंग हाइट। तो लिफ्टिंग हाइट क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर, दिस टोटल हाइट माइनस दिस एच, तो हमारे क्या हो जाएंगे, लिफ्टिंग हाइट हो जाएगी। ओके, सो लिफ्टिंग हाइट क्या होता है, ये जब इधर पहुंचेगा, ये इसको बोलते हैं स्टॉपर, तो ये बाहर ना निकले यहाँ से, इसलिए ये स्टॉपर लगाया हुआ है, तो स्टॉपर यहाँ पहुंचेगा, तो यहाँ से लेके ये नट से लेके यहाँ तक जो भी डिस्टेंस रहेगा ऊपर, वो क्या बोलेंगे हम, लिफ्टिंग हाइट, एंड दिस इज एच इज नट, हाइट ऑफ नट। ओके, नाउ वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन, इसके अंदर क्या रहेगा, टॉर्क रहेगा, जो स्क्रू है गोल घूम रहा है तो टॉर्क रहेगा, तो उसको हमने देखा है टॉर्क रिक्वायर्ड टू रेज द लोड में, तो हम रेज द लोड वाला यूज करेंगे। ओके, टॉर्क रिक्वायर्ड टू रेज द लोड फॉर्मूला यूज करेंगे, तो वो टॉर्क किसके बराबर होता है, तो ये जो इधर टॉर्क लग रहा है ये इसको रेज करने के लिए, वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये हैंडल के ऊपर हम जो लोड लगा रहे हैं, तो वही लोड क्या है, वो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ से जो हम बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस करेंगे, दैट इज यहाँ पे चलो हम लोड लगा रहे हैं, यहाँ पे ऐसे लोड लगा रहे हैं, तो दिस लोड इनटू लेंथ लेंथ ऑफ द हैंडल, इट विल बी इक्वल टू द टॉर्क। ओके, वो हम बाद में भी देख सकते हैं, अभी आपको ध्यान में रखना है कि ये सिंपल स्क्रू जैक का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो हमें डिजाइन क्या क्या करना है, देखो पार्ट्स कितने हो गए, स्क्रू, नट, फ्रेम, हैंडल, कप। ओके, इसमें से हमें डिजाइन क्या करना है, तो स्क्रू करना है डिजाइन, दैट इज पावर स्क्रू, मतलब स्क्रू इंपॉर्टेंट पार्ट है, यही आप स्क्रू डिजाइन कर दोगे तो 14 में से 8-9 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। बाद में नट एंड हैंडल, ये जो फ्रेम है एंड कप है वो हमें डिजाइन नहीं करने, वो एम्पिरिकल रिलेशन होते हैं, उसको हमें कोई डिजाइन नहीं करना है। डब्ल्यू लोड ऊपर आ रहा है, पी मतलब एफर्ट जो हम इस पर लगा रहे हैं, इसको पुश करने में जो एफर्ट लगा रहे हैं, दैट इज पी। ओके, तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया। नाउ वी विल सी द कि मटेरियल सिलेक्शन क्या रहेगा। ओके, बिफोर दैट आई विल रीड वन प्रॉब्लम फॉर यू। ओके, तो प्रॉब्लम में से दिया होता है, अ स्क्रू जैक इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 100 किलो न्यूटन थ्रू अ हाइट ऑफ 0.5 मीटर। तो एक लोड दिया होता है, W दिया है, W का वैल्यू दिया है, और लिफ्टिंग हाइट कितना दिया है,
0.5 मीटर दिया है, मतलब 500 mm दिया है, इतना ही दिया होता है, बाकी कुछ नहीं, बाकी आपको करना है। सिलेक्ट सुटेबल मटेरियल, मटेरियल सिलेक्ट करना है, एंड डिजाइन द स्क्रू जैक विच इज मैन्युअली ऑपरेटेड, मतलब मैन्युअली फोर्स लगा के ऑपरेट किया। ओके तो पहला हम सिलेक्शन ऑफ मटेरियल देखेंगे, ठीक है। तो पहला हम स्क्रू के लिए जाते हैं, हमें पता है नट एंड बोल्ट, नट किसका बना होता है तो माइल्ड स्टील का बना होता है, ज्यादा करके माइल्ड स्टील का बना होता है, एमएस का बना होता है। माइल्ड स्टील इज नथिंग बट प्लेन कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील। ओके प्लेन कार्बन स्टील बोलो और लो कार्बन स्टील बोलो। तो इसमें क्या है, तो देखो इट इज सब्जेक्टेड टू कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, यहां से लोड एक्ट हो रहा है तो ये बीच में कॉम्प्रेस हो जाएगा, ये ऐसे पकड़ो यहां पर फिक्स है तो बीच में क्या हो जाएगा, कॉम्प्रेस हो जाएगा। तो कॉम्प्रेसिव लोड है, गोल घूम रहा है, कोई शाफ्ट या डायमीटर है और गोल घूम रहा है तो उधर क्या होता है, टॉर्क। तो हम क्या बोल सकते हैं, टॉर्जनल शेयर स्ट्रेस भी हो रहा है, तो दोनों है तो हाँ, और हमें पता है ये डक्टाइल मटेरियल का होता है, तो हम क्या बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ क्राइटेरिया हम इसके लिए प्लेन कार्बन स्टील चूज करेंगे। ओके तो इसके लिए प्लेन कार्बन स्टील हम यूजुअली मीडियम कार्बन स्टील और लो कार्बन स्टील चूज करते हैं, तो आई एम चूजिंग C30। ओके प्लेन कार्बन स्टील C30। ओके देन रह गया नट। ओके नट अभी देखो, नट के लिए कौन सा मटेरियल, तो नट भी देखो इसमें भी थ्रेड्स है। ओके इसमें भी क्या हो, कॉम्प्रेसिव फोर्स हो रहा है, मतलब यहाँ सॉरी यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, यहाँ नट में क्या होगा, क्रशिंग एक्ट होगा। ओके लेकिन वो हमें क्या एक्ट करना है उससे उसके कुछ लेना देना नहीं है, यह एक सिंपल फेनोमेना है कि इसका मटेरियल क्या होना चाहिए, ठीक है, वो सिंपल फेनोमेना बताता हूँ मैं। देखो ये दूसरे एक दूसरे के बीच में क्या होते हैं, ऐसे नट है तो ये एक दूसरे के बीच में ऐसे घूमता है, नट जो स्क्रू होता है वो नट के बीच में ऐसे घूमता है, राइट। तो क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या रहेगा, फ्रिक्शन रहेगा, दोनों के बीच में फ्रिक्शन रहेगा, फ्रिक्शन रहेगा मतलब वेयर एंड टेयर रहेगा। कोई भी चीज आप जैसे रबर ले लो, रबर इधर हम रफ करेंगे तो क्या होता है, रबर थोड़ा वेयर हो जाता है, राइट। सो वैसे ही ये दोनों के बीच में भी वेयर टेयर होगा। ओके अगर ये दोनों भी हम सेम मटेरियल के बने हैं, अगर दोनों भी सेम मटेरियल के बने हैं तो क्या हो जाएंगे, दोनों एक साथ एक जैसे वेयर हो गए, तो दोनों एक साथ एक जैसे वेयर हो गए मतलब दोनों एक साथ एक जैसे खराब भी हो जाएंगे, मतलब हमें रिप्लेसमेंट के जगह रिप्लेसमेंट करते हुए क्या करना पड़ेगा, दोनों एक साथ रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है, दोनों एक साथ जैसे मटेरियल के बने हैं तो। बट अब देखो ये स्क्रू का डिजाइन देखो आप कितना डिफिकल्ट है, ये 0.5 मीटर मतलब 500 mm बड़ा है। ओके 500 mm लॉन्ग रहेगा मतलब हाफ मीटर हो गया, और इसे स्टॉपर भी पर लगाए हुए है, तो ये डिजाइन और नट क्या है, छोटा सा एलिमेंट है, छोटा सा पार्ट रहता है इतना सा। ओके तो नट क्या रहता है, कॉस्ट से कॉस्ट में बहुत कम रहता है। ओके देन इट इज स्मॉल, इजीली रिप्लेसेबल, सो इजीली रिप्लेसेबल नहीं बोल सकते, दोनों भी इजीली रिप्लेसेबल ही होते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का कम होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और डिजाइन प्रोसेस की बड़ी होती है। ओके तो हम क्या बोलेंगे, साइज एंड शेप ऑफ द नट इज स्मॉल, लेकिन साइज एंड शेप ऑफ द स्क्रू इज बिग एंड कॉम्प्लेक्स। ओके तो डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए क्या होगा, ये कॉस्टली होगा और ये क्या होगा, कम कॉस्टली होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो फेल होना चाहिए, मतलब दोनों में से कोई फेल होगा तो कौन होना चाहिए, नट होना चाहिए, क्योंकि नट फेल होगा तो हम रिप्लेस कर देंगे उसको, हमें ज्यादा कॉस्ट नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, नट को वीक रखेंगे, तो दोनों में फ्रिक्शन होता है तो ये वेयर एंड टेयर ना हो, स्क्रू का वेयर एंड टेयर ना हो, किसका वेयर एंड टेयर हो, नट का हो, तो नट को क्या रखेंगे, हम थोड़ा वीक बनाएंगे। तो हम कैसे वीक बनाएंगे, तो सिंपल है, उसका मटेरियल वीक चूज करते हैं, इसलिए क्या करते हैं, इसका नॉर्मली हम फॉस्फरस ब्रॉन्ज मटेरियल लेते हैं नॉर्मली। ओके बट हम फॉस्फरस ब्रॉन्ज क्योंकि वो लो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रहता है उसका, लेकिन अगर फॉस्फरस ब्रॉन्ज लेके तो आपको अगेन पीएचजी में बहुत ज्यादा ढूंढना पड़ेगा, तो उसका दूसरा एक मटेरियल है जो हम बोलते हैं कास्ट आयरन। ओके तो हम क्या लेंगे, ग्रे कास्ट आयरन लेंगे। ओके GCI 20 ले लो, आपको पता है GCI 20 बोला है मतलब 20 क्या होगा, 20 मतलब 200 एज इट्स अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। GCI 30 बोले तो 30 इज अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, 300 सॉरी 30 है तो 300, 20 है तो 200। तो नट का मटेरियल कौन सा हो गया, GCI 20, और ब्रिटल मटेरियल चूज करेंगे, वीक वीक और सॉफ्टर देन स्क्रू। ओके अब थर्ड रह गया हैंडल। देखो हैंडल पे कौन सा लोड एक्ट हो रहा है, बेंडिंग। ओके क्योंकि यहाँ पे ऐसे लेंथ है एक बीम है, आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो तो क्या होगा, ये बेंड हो जाएगा, तो बेंडिंग एक्ट हो रहा है। बेंडिंग मतलब क्या, आप बेंडिंग कर रहे हो मतलब, बेंडिंग कर रहे हो मतलब एक साइड पे ये बेंड हो गया, एक साइड में टेंशन है, एक साइड में कॉम्प्रेशन है, तो बेंडिंग में क्या रहता है, एक साइड में टेंशन रहता है, एक साइड में कॉम्प्रेशन रहता है। सो हम बोल सकते हैं कि
चलो कॉम्प्रेशन तो छोड़ दो, तो एक साइड में टेंशन है, क्योंकि टेंशन ही फेल्योर क्राइटेरिया होता है, कॉम्प्रेशन में कभी कोई फेल नहीं होता। तो हम क्या बोल सकते हैं कि टेंशन हो रहा है, मतलब टेंशन में वीक क्या होता है, टेंशन में वीक कौन सा होता है, तो ब्रिटल मटेरियल टेंशन में वीक होता है। ओके, तो हम ब्रिटल मटेरियल चूज नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या चूज करेंगे, डक्टाइल मटेरियल चूज करेंगे। ओके, तो यहाँ डक्टाइल मटेरियल चूज किया हमने, अगेन हम क्या चूज करेंगे, फिर प्लेन कार्बाइड C30 चूज करेंगे, तो यहाँ पे C30 हो गया। अब कप एंड फ्रेम रहा है, तो इन पर फोर्स कौन सा, कप पे कौन सा एक्ट हो रहा है फोर्स, तो कॉम्प्रेसिव हो रहा है, इस पर भी कौन सा हो रहा है, फ्रेम पे ऊपर भी कॉम्प्रेसिव होता है, सब लोड आ रहा है, कॉम्प्रेसिव हो रहा है। हमें पता है कॉम्प्रेसिव में कौन स्ट्रांग होता है, तो कॉम्प्रेसिव में कास्टेड कॉम्पोनेंट स्ट्रांग होते हैं, जो कास्टिंग से बनते हैं वो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस में बहुत स्ट्रांग होते हैं। ओके, तो कास्टिंग में अब कौन सा मटेरियल यूज होता है, तो ब्रिटल मटेरियल यूज होता है, तो ज्यादा करके ब्रिटल होता है, हम कास्टेड स्टील भी यूज करते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स शेप होगा तब नहीं करते। ओके, उसका भी रीजन है, मैं डिजाइन ऑफ कास्टिंग में बता दूंगा, मैं कंसिडरेशन ऑफ कास्टिंग में मैं वो बता दूंगा। ओके, बट इतना ध्यान में रखो कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस में कास्टेड कंपोनेंट स्ट्रांग होता है, एंड कास्टिंग में हम ज्यादा ब्रिटल मटेरियल यूज करते हैं। तो इसका भी हम क्या लेंगे, GCI 20, और इसका भी GCI 20, लेकिन कप एंड फ्रेम तो हमें डिजाइन ही नहीं कर रहे हैं, तो वो हम कंसिडर करेंगे ही नहीं। ओके, सो फर्स्ट थिंग है हमें क्या देखना है, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। ओके, अभी मैंने बहुत बड़बड़ की, उतना आपको लिखना नहीं है क्वेश्चन पेपर आंसर शीट में, आपको क्या लिखना है, स्क्रू, स्क्रू का मटेरियल क्या है, स्क्रू ये कौन सा लोड होता है, कॉम्प्रेसिव होता है एंड टॉर्जनल शेयर स्ट्रेस होता है। सो स्ट्रेंथ इज अ डिजाइन क्राइटेरिया सिलेक्टिंग प्लेन कालाबाशी C30। हमने देखा उसका सिग्मा यील्ड क्या होता है, 300 Nm/mm², PSG 1.9। नट, नट क्या होता है, रिलेटिवली सॉफ्टर मटेरियल देन स्क्रू, सो सिलेक्टिंग GCI 20। सिग्मा यील्ड क्या होता है, 200 Nm/mm², PSG 1.5। याद करने की जरूरत नहीं, लिखने की जरूरत नहीं, 220 है, 200 हो जाता है। हैंडल, हमें पता है हैंडल में क्या होता है, बेंडिंग होता है, तो कौन सा स्ट्रेंथ ही डिजाइन क्राइटेरिया हो गया, तो प्लेन कार्बन शील्ड C30 जो सिग्मा यील्ड 300। कप एंड फ्रेम के लिए, ओके, सो इधर में दे आर हैविंग कॉम्प्लेक्स शेप, कॉम्प्लेक्स भी है वो। ओके, एंड सब्जेक्टेड टू कॉम्प्रेसिव, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स जो चीजें होती है, वो कॉम्प्लेक्स जो कंपोनेंट होते हैं वो कास्टिंग से इजीली बनते हैं। ओके, एंड कॉम्प्रेसिव लोड है, तो कास्टेड कंपोनेंट कॉम्प्रेसिव में स्ट्रॉन्ग रहते हैं, तो हम क्या करेंगे, कास्टेड कास्टिंग का मटेरियल यूज करेंगे, जो कौन सा होता है, नॉर्मली जीए कास्ट आयरन होता है, तो GCI 20 अगेन 200 Nm². नाउ पॉइंट इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ओके, तो मैं अगेन वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी देखते हैं हम। ओके, अब देखो अगर स्क्रूजैक फेल हो जाए तो क्या होगा, तो देखो मुझे आप बताओ कि का फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होनी चाहिए। जब भी मैं ऐसे क्वेश्चन पूछता हूँ, जरा पॉज करो वीडियो, 2 सेकंड 5 सेकंड सोचो, अगर आपको ऐसा लगता है आपको नॉलेज बढ़ना चाहिए तो 5 सेकंड सोचो और एक कोई तो वैल्यू डिसाइड करो, और तीन आप देख, मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो देखो। ओके, ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो अगर स्क्रूजैक यूज क्या होता है, चलो व्हीकल का एग्जाम्पल लेते हैं, व्हीकल लिफ्ट करने के लिए, चलो व्हीकल को लिफ्ट किया, ओके, और क्या हो गया, व्हीकल को लिफ्ट कर दिया उसने और वर्कर उसके नीचे जाके काम कर रहा, अगर ये फेल हो गया, स्क्रू टूट गया और गाड़ी ऊपर से नीचे गिर गई, तो क्या हो जाता है, सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, ह्यूमन इंजरी, और जहां जहां ह्यूमन इंजरी होते हैं वहां वहां फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो एक तो ह्यूमन इंजरी हो रही है, हार्म टू ह्यूमंस, ओके, एंड दूसरा क्या हो रहा है, तो ये कंपोनेंट जो ऊपर रहेगा व्हीकल एंड ऑल, चलो BMW है ऊपर कोई, तो ऑडी BMW धपक करके नीचे आ गई, तो क्या हो जाएगा, उसमें भी डैमेज हो जाएगा। तो इसके लिए स्क्रूजैक में फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या रहती है, हाई रिस्क रहती है। ओके, तो मैंने वो पॉइंट इधर ऐड कर दिया फैक्टर ऑफ सेफ्टी का, स्क्रूजैक इज अ लिफ्टिंग डिवाइस एंड ब्रेकडाउन ऑफ द स्क्रूजैक हैज सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज लाइक इंजरी टू द ऑपरेटर एंड डैमेज टू द मशीन पार्ट, सो सिलेक्टिंग हाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4 to 6। सो ये हो गया सिलेक्शन ऑफ मटेरियल एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब हम देखेंगे अलायबल स्ट्रेसेस। फॉर अलायबल स्ट्रेसेस मैंने एक चार्ट बनाना है, वैसे ही आप चार्ट बनाओगे तो इजी हो जाएगा आपको आंसर पेपर में। ओके, तो मैंने पहले इधर स्ट्रेसेस लिखे हैं कौन से है, और ये स्क्रू एंड तीन ही मटेरियल है, मैंने बोला था आपको तीन ही मटेरियल आपको करने हैं। ओके, डिजाइन स्क्रू इंपॉर्टेंट रहता है, नट एंड हैंडल छोटे छोटे हैं। ओके, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी पहला हमें पता है 4 to 6 है, लेकिन इधर 4 लिखा है, इधर 6 लिखा है, 2 क्यों लिखा है हम देखते हैं। देखो स्क्रू का भी मटेरियल क्या है, डक्टाइल है,
नट का मटेरियल क्या है, ब्रिटल है। हमें पता है ब्रिटल मटेरियल को हाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगती है, क्यों? तो ब्रिटल क्या होता है, विदाउट एनी इंडिकेशन टूट जाता है, ओके। इसलिए ब्रिटल को हम क्या करते हैं, हाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी देती है, और डक्टाइल मटेरियल को लो फैक्टर ऑफ सेफ्टी देती है। ये भी थ्रेडेड मटेरियल है, ये भी थ्रेडेड मटेरियल है, इसमें भी स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन है, इसमें भी स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन है, तो हम क्या करेंगे, इसको लो फैक्टर ऑफ सेफ्टी देंगे, क्योंकि ये डक्टाइल है। तो 4 to 6 है हमारा रेंज, राइट, 4 to 6, तो इधर 4 दिया, तो इधर हमें कुछ तो जाना देना पड़ेगा, क्योंकि ये ब्रिटल है, इसलिए मैंने 6 दे दिया हैंडल। अभी देखो अगर ये हैंडल टूट जाए, अगर चलो ये हैंडल टूट भी गया, तो भी ये गाड़ी नीचे आने वाली है क्या? नहीं, क्योंकि टूटेगा क्या, स्क्रू टूटेगा, नट टूटेगा, फ्रेम टूटेगा, तभी वो गाड़ी नीचे आएगी, ओके। तो हम हैंडल के लिए लो फैक्टर ऑफ सेफ्टी देते हैं 2, ठीक है। नाउ सिग्मा टेंसाइल, सिग्मा क्रशिंग एंड टाउ। तो सिग्मा टेंसाइल क्या होता है, सिग्मा यील्ड अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और सिग्मा अल्टीमेट अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। हमने इनके वैल्यू, ये सिग्मा यील्ड का वैल्यू लिखा है, आपको चाहिए तो और एक इधर टेबल बनाओ सिग्मा यील्ड और फैक्टर ऑफ सेफ्टी का। तो इधर सिग्मा यील्ड 300 है, इधर 200 है, इधर 300 है। तो सिग्मा टी क्या होता है, यील्ड अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सो 300/4 75। अल्टीमेट अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी 200/6 33.33, ये 6 इधर से आया, इधर क्या हो गया, यील्ड अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी 300/2 150। सिग्मा क्रशिंग, तो देखो स्क्रू क्या है, डक्टाइल मटेरियल है, डक्टाइल मटेरियल में मैंने आपको अभी बोला कि अगर ये यहाँ पे टेंशन है तो यहाँ पे कॉम्प्रेशन है, ओके। तो टेंशन का वैल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, कॉम्प्रेशन का वैल्यू, तो टेंशन इज इक्वल टू कॉम्प्रेशन, ओके। तो हमेशा कोई भी मटेरियल ले लो, टेंशन इज इक्वल टू कॉम्प्रेशन होता है, ओके। सो यहाँ पे हम क्या लेंगे, सिग्मा सी इज इक्वल टू सिग्मा टी 75। लेकिन यहाँ पे लेते वक्त मैंने क्या लिया, सिग्मा सी इज 2 into σt। ऐसे क्यों, क्योंकि अभी हम मैंने बोला कि ब्रिटल मटेरियल होता है वो कॉम्प्रेशन में बहुत स्ट्रांग होता है, दैट्स वाई इट इज 2 into σt। देखो आप जब आपने क्वार्टर डिजाइन किया था और आपने की डिजाइन की थी शाफ्ट के लिए, तब आपने सिग्मा सी इज इक्वल टू 1.2 to 1.5 σt लिया था, क्योंकि जो क्वार्टर होता है वो प्रेसिपिटेट होता है, तो उसमें पहले से ही कॉम्प्रेशन रहता है, की रहती है वो भी प्रेसिपिटेट रहती है, पहले से कॉम्प्रेशन रहती है, इसलिए हमने वो 1.2 to 1.5 लिया था। अदरवाइज सिंपल कॉम्पोनेंट है स्क्रू, कोई भी उस पर कोई प्रेसिपिटेट नहीं है, कुछ नहीं है, तो इस पर लिए क्या लेंगे हम, सिग्मा सी इज इक्वल टू सिग्मा टी लेंगे। हैंडल के लिए भी सिग्मा सी इज इक्वल टू सिग्मा टी 150 हो गया। शेयर स्ट्रेस क्या होता है, 0.5 ऑफ सिग्मा टी, और हम बोल सकते हैं मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी जो बोलती है टाउ इज इक्वल टू सिग्मा यील्ड फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंटू 0.5, मतलब हाफ रहती है, ओके। तो हम हाफ ऑफ सिग्मा टी लिख देंगे, 0.5 सिग्मा टी, तो इसका हाफ हो जाएगा, ये इसका हाफ हो जाएगा, ओके। हाँ सॉरी, 33.33 का हाफ हो जाएगा, और ये 150 का हाफ हो जाएगा 75, ओके। सो अलाउबल स्ट्रेस समझ आ गया। तो नेक्स्ट मूव होता है डिजाइन ऑफ स्क्रू। ओके गाइस, होपफुली आपको मटेरियल सिलेक्शन, डिजाइन स्ट्रेसेस एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट स्टेप है डिजाइन ऑफ स्क्रू, डिजाइन ऑफ हैंडल एंड डिजाइन ऑफ नट, हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको जो वीडियो के नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर ले लो, ओके। आपको अच्छे लग रहे वीडियो, आपके दोस्तों के साथ शेयर करो, और सब्सक्राइब करना मत भूल लो, ओके। जस्ट सब्सक्राइब, ओके, थैंक यू।